बहुत हादसा हुआ था, इनकी खाना बंद कर रहे हैं। बच्चा स्कूल में एनुअल डे का स्पोर्ट्स डे फंक्शन था, यूकेजी क्लास में था बच्चा, ने परफॉर्म करा, सर्टिफिकेट ले लिया। दूसरे बच्चे का परफॉर्मेंस था उनके भाई का फोर्थ क्लास में, हम लोग वो देखने के वास्ते ठहरे थे। बच्चे खेलते खेलते गिर गए तो दूसरा उनका भाई आके बोला मम्मा बच्चा पानी में गिर गया, बोलते हमला भागे। हमला जाके देखे था वो जगह वो सम पे पूरा ऐसा टीम का आता नहीं, वो डाल के उसके ऊपर गनेट रखे बाद हमला वॉचमैन बोले बच्चा गिर गया करते जरा देखो बोलो नहीं अम्मा ये बंद है नहीं गिरा बोले। तो हमने ऑडियंस से मदद किया तो ऑडियंस से भाग के आके वो बच्चे को उसमें से उन्होंने निकाल के देखे, गेट्स पूरे लॉक थे। ठीक है जब हमारा गेट खोलने के वास्ते करें नहीं खोले तो बाकी के ऑडियंस मैसेज लेके आए बच्चे को यहाँ पे स्कूल पे, और वो स्कूल वाले हमको इन्फॉर्म करे कि नहीं बच्चा अच्छा है स्टेबल है बोल के बोला आधे रास्ते से मेरे को ले लेके आए। मैं उनके फाला मैं थी एचएम उतर गए उनके कार में से बच्चा स्टेबल है आप जाइए हमारा पीछे गाड़ी में आ रहे बोल के। जैसा हम लोग को मालूम हो गया भाग गए लोग हॉस्पिटल से हम लोग को छोड़ के, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया स्कूल वाले। आप लोग प्लीज सक्सेस हाई स्कूल है टोली चौकी ब्रांच का है। बच्चे का नाम आहिल है मोहम्मद आहिल। आपकी बहन का नाम शाफिया सुल्ताना। आप थे यहाँ पर सामने मेरा नाम मोहम्मद आहिल है और मैं रेलवे स्टेडियम में कार्यशील टेक्नीशियन हूँ, कार्यशील का टेक्नीशियन हूँ। तो मेट्रो में क्या करा था ने क्या अंदर बोल के ऊपर चढ़ के देखा तो समय से बच्चे को बाहर निकालने के दबा रहे थे हाइट में चक्कर में, तो कोई भी नहीं वहाँ जो भी जमीदार साथी आए कोई भी आए नहीं करे। मैं क्या कहा बच्चे को ले लेके चले गया तो गेट को जब लॉक था लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं थे वहाँ के सुमेरा खुला लॉक तोड़ने नहीं किया मैं दरवाजे को ढकला उसके बाद समझ नहीं आते ले लेके सीधा ऑटो में आ गया। ऑटो में आके सीधा इधर ले लेके आते जब भी लोग क्लियर कर दिए तो उन्होंने बोल दिए हम लोग सबको। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है मुदस्सिर अहमद। मैं जो है उसके बाद ये बेचारी ये बाजी मैं मेरी गाड़ी पे जा रहा हूँ वहाँ से जो रस्ते पे, हालांकि मैं वो एलवी स्टेडियम में जो है तकरीबन 8 साल से मैं वहाँ पे हूँ। मैं एलवी स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं नेशनल बॉक्सर हूँ, तकरीबन मैं 17-18 मैं वहाँ जा रहा था एलबी स्टेडियम के सर से मिलने हमारे रिसेंटली वहाँ पे बाजी मिले मेरे को। क्या हुआ वो तो एक हाथ में बच्चा है एक हाथ में बैग है ढूंढ रहे हैं तो कोई इनको जो है पूरे इवेंट में मसरूफ है वहाँ पे। मैं लेके गया अंदर कि और एक बच्चा इनका मिस हो गया वहाँ पे गया तो वहाँ भैया बोल रहे हैं कि आंटी बाजी जो है नाली में गिरा हो नाली 1.5 फीट की नाली में गिरा ही नहीं बच्चा हो वो जो गिरा सो बच्चा है वो बच्चा जो है ग्राउंड में एक जो है मैं पूरी जगह से मखफियत हूँ हर एक चीज की वहाँ पे वहाँ गिरा सो बच्चा है सब में गिरा सो बच्चा है। वहाँ का मैनेजमेंट इतना बेवकूफ मैनेजमेंट है कि बच्चा गिर गया ये औरत बोल रही है उसमें बच्चा है निकालो बोल के उन्होंने उसके ऊपर ढक्कन डाल दिया नहीं है बोल के फिर अंदर से आवाज आए तो देखे तो स्कूल मैनेजमेंट खराब है। ये देखो सर ये तो फर्स्ट जो है नहीं फतेह मैदान की तो एक जमाने से लोगों की गलती है। दूसरा जो कोई चीज अपन किसी से ले रही कोई चीज अपन किराए पे भी ले रहे हैं तो हर चीज चेक करके लेते कि स्कूल वाले जो इवेंट जो स्टेडियम में लिए इनका काम था किराए पे ले रहे हैं जो भी एक दिन के लिए तो एक स्टेडियम को इन्होंने चेक करना क्योंकि बोलते जब बच्चे जो है पेरेंट्स जो है स्कूल वालों के हैंडओवर करते तो टीचर्स की जिम्मेदारी रहती। मैं उनके प्रिंसिपल से बात करा तो उनका प्रिंसिपल मेरे को बोल रहा कि जो है मेरे को 3 बजे पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिए जबकि 9 o'clock तक वो जो है इवेंट चलते रहा। अब मैं वहाँ पे गया तो 7 बजे डेथ होने के बाद भी इवेंट चलते 7 बजे डेथ होने के बाद भी 9:40 तक इवेंट चला। मैं जब स्टेज पे चढ़ा कोई एक नेता आए थे वहाँ पे जो है उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल है बोल रहे हैं कि उनकी वाइफ पे गोल्ड गोल्ड पहन लेके उन लोग बोल रहे हैं कि दिलासा दे रहे हैं नहीं बच्चा अच्छा है आप लोग कहाँ बैठो आप कौन होते बोलने वाले बोले तो मैं तो रस्ते में जाने वाला हूँ तो नहीं आप चले जाओ अच्छे बोल के आपको बिठा रहे थे वहाँ पे आप मत जाओ पुलिस कंप्लेंट करने बैठ जाओ बच्चा अच्छा है बोल के बिठा रहे। हालांकि मेरे को फोन आ गया था यहाँ से कि जो है बच्चे की डेथ हो गई मैं नैमोला आया हूँ और उन्होंने बोल रहे हैं कि जो है तुम कौन होते मैनेजमेंट करने वाले ऐसा सब चीज़ें बात करें फिर सरासर ये स्कूल की गलती है
जब वालदा वालिद जो है स्कूल में देते तो उनकी जिम्मेदारी रहती है सब चीज संभालने की। और दूसरा जो है एलबी स्टेडियम का मैनेजमेंट की गलती है, एक नहीं दो बच्चे मिस हो गए वहाँ पे, उसके बाद भी पानी में जाके ढूंढे करे और उनकी वाइफ यहाँ पे आए यहाँ से आके फिर भाग गए। मैं अमजदुल्ला खानी स्पोर्ट्स में निम्न थी, अभी मुझे इतना मिली तो मैं होप हॉस्पिटल पर आया अपने नंबर बंशीरवा। एक्चुअली वाकया ये है कि मोहम्मद आहिम 5 साल सनाफ अब्दुल हाजी अली ये जो है कि सऊदी में काम करते, मदर का नाम है शाफिया सुल्तान। एक्चुअली इनको 3 लड़के हैं और आज जो है इनका लड़का जो द सक्सेस स्कूल डोली चौकी ब्रांच में पढ़ता है, तो आज ये कुछ स्पोर्ट्स डे एनुअल डे था वहाँ पर, ये अपने 3 बच्चों को लेकर गए थे। ये जो बच्चा फाइव ईयर्स का बच्चा है, ये बच्चा UKG क्लास में था, ये पार्टिसिपेंट था और बाजाबा सर्टिफिकेट भी ले लिया था। लेने के बाद में जब बच्चा आया माता ने तो और एक दूसरा बच्चा आने के लिए रुके हुए थे, तो मीनवाइल वहाँ पर जो है बड़ा समय तकरीबन 4-5 फीट डीप समय वहाँ पर 12 फीट समय उसका जो ढक्कन है बहुत वीक ढक्कन था, चाहे वो लोहे का ढक्कन है नहीं मालूम सीमेंट का, उसके ऊपर एक पत्ता रखा हुआ था, ये बच्चा उसके ऊपर पैर रखा रखते अंदर गिर गया। तो जब बच्चा मिसिंग हुआ तो माँ चीखा मारी कि बच्चा कहाँ है बच्चा कहाँ है, कोई लोग बोल रहे कि बच्चा अंदर गिरा बोल रहे, लेकिन वहाँ का जो मैनेजमेंट था फतेह मैदान क्लब का बोलिए या कोई वहाँ पर, ये लोग क्या किए ढक्कन डाल के बंडा रख दिए कि बच्चा नहीं है अंदर, बोले बहस करे। फिर बाद में कैसा है कि अंदर से बच्चे को निकाल के बाहर रखे फिर यहाँ होप हॉस्पिटल को लाए तो ये दो लोग उसके चश्मदी गवाह हैं, यहाँ पर ब्रॉड डेड हुआ। तो हालांकि वहाँ पर 40 बाउंसर थे और ना जाने कौन कौन की थे वहाँ पर, तो अब यहाँ पर जो है सैफाबाद पुलिस भी आई है, इसकी कर रही है और इस लापरवाही के खिलाफ में द स्कूल की मैनेजमेंट के खिलाफ में और आपके ये जो एलबी स्टेडियम का मैनेजमेंट है उसके खिलाफ में भी एक्शन लेना चाहिए। 7 साल बाड़ी फोर स्कूल मन अब सर आप थोड़ा गाइड कर रहा हूँ सबर करवा इंसिडेंट है यही कोर्ट का आकर है ऑल एक्सीडेंट एंड डेथ जो जो भी पहले कैसा मिलता है ठीक ठाक मिलता है आप लेके जाते चाय काम माना लगे उसी से भी लिखा माने का आपके हक में उनका भी आज आपका बच्चा हुआ कराओ तो बच्चा छोटा आ रहा छोटा सबर करो दो बच्चे जाके वो हो गए हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल अजैन उमरा ग्रुप सर्विसेज हर महीना 4 ग्रुप की रवानगी अमल में आ रही है, मकसद हर गरीब मुसलमान का उमरा अदा हो। हमारा उमरा ट्रैवल का अहम मकसद पैसे वाले तो जाते ही हैं, गरीब मुसलमान बहुत है जो ज्यादा रकम होने की वजह से नहीं जा सकते। हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल उन मुसलमान आशिकान मक्का आशिकान मदीना के लिए अब
उम्रा जाना और भी आसान कर दिए। 78,000 में उम्रा मुकम्मल पैकेज मिलेगा। मक्का होटल 250 MTR, मदीना होटल 150 MTR खरीब। अहराम फ्री, जमजम वाटर फ्री, मक्का मदीने की जियारत, लॉटरी सर्विस 3 टाइम, हैदराबादी फूड, रूम, इंश्योरेंस, एयर टिकट, वीजा, शोल्डर बैग फ्री, एसी बस, जियारत विद गाइडेंस, डायरेक्ट फ्लाइट इंडिको, डायरेक्ट फ्लाइट सऊदी एयरलाइंस, डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया हैदराबाद टू जिद्दा, जिद्दा टू हैदराबाद। हर मुसलमान फायदा उठाए, हर महीना चार ग्रुप की रवानगी जरूर होगी। हसन मदीना टूर एंड ट्रैवल को खिदमत का मौका दे। यहाँ का नंबर है 9346268715 6305143223। स्वागत है ऑस्कर सिटी में। रिच अर्थ प्रमोटर्स और डेवलपर्स द्वारा एक सुरक्षित खेती योजना, खरीदे जमीन विकाराबाद तेलंगाना जिले में नेशनल हाईवे और रीजनल रिंग रोड के करीब। इन्वेस्ट करें सिर्फ 5,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड से। हर प्लॉट के साथ 20 मालाबार नीम पेड़ और 2 फलों के पेड़ का आनंद उठाएं। हम देते हैं क्लियर टाइटल्स, फ्री फैमिली साइट विजिट और 5 साल के बाद डबल प्राइस के साथ मनी बैक गारंटी। ये हम आपको 100 रूपए के बॉन्ड पेपर पर रिटर्न प्रॉमिस करके देते हैं। तो देर मत कीजिए, हमें कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पर और अपने भविष्य में आज ही निवेश करें। धन्यवाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।